मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में हो रहे किसान कल्याण कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए हैं और कलेक्टरों से इसे युद्ध स्तर पर तैयारी पूर्ण करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रायसेन में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश की लगभग 23,000 ग्राम पंचायतों में इसका प्रसारण होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन होगा। अन्य जिलों में मंत्री कार्यक्रमों में किसान को राहत राशि का वितरण करेंगे और इसी तरह के कार्यक्रम ब्लॉक और ग्रामीण स्तर पर भी होंगे। 4 स्तरीय विशाल किसान कल्याण कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासन को दिए हैं। बताया जा रहा है कि कुल 35 लाख किसानों को 1600 करोड़ की राहत राशि के वितरण के साथ ही पशुपालकों को भी लाभ प्रदान किया जाएगा। इस दौरान किसान क्रेडिट कार्ड के वितरण का कार्य भी होगा। सीएम ने कार्यक्रम में अधिकतम किसानों को जोड़ने के लिए कहा है। लगभग 1600 करोड़ रुपए की राशि 35 लाख किसानों के खाते में डालना हम कल से प्रारंभ कर रहे हैं, राहत की राशि का। लेकिन उसके साथ साथ हम 2000 पशुपालक और मछली पालकों को केसीसी का वितरण भी करेंगे। कृषि विकास योजना और अन्य योजनाओं के अंतर्गत लोकार्पण शिलान्यास के काम भी होंगे और तीनों किसान कानून जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार ने बनाए हैं उनकी जानकारी किसानों को देंगे और उनको जागरूक करेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री जी का संबोधन भी मिलेगा और कार्यक्रम हमको करना है 4 स्तरीय कार्यक्रम जो होगा। एक मैं स्वयं रहूंगा रायसेन में, मुझे जैसा कलेक्टर रायसेन ने बताया 20,000 किसान वहां रहेंगे, फिजिकली रहेंगे 20,000 किसान वहां। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।